महाराष्ट्र बिहार के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। लोकसभा चुनाव से पहले आज उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया और इस तरह बीजेपी ने अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश की है। आज शपथ लेने वाले चार मंत्रियों में से दो सहयोगी दलों से हैं। हाल ही में एनडीए में शामिल हुए जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के एक विधायक को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इस विस्तार से बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश भी की है। आज जिन मंत्रियों ने शपथ ली उनके नाम आपको बता देते हैं। ओम प्रकाश राजभर, अनिल कुमार जो कि आरएलडी के हैं, दारा सिंह चौहान बीजेपी के हैं और सुनील शर्मा ये भी बीजेपी के विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का विस्तार किया गया और इस विस्तार में कुल चार मंत्रियों ने शपथ लिया। शपथ लेने वालों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, इसके अलावा बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान, आरएलडी नेता अनिल कुमार और बीजेपी के नेता सुनील शर्मा ने शपथ ली है। उत्तर प्रदेश में दो मंत्री पश्चिमी यूपी से बनाए गए हैं, वहीं दो पूर्वी उत्तर प्रदेश से मंत्री बनाए गए हैं। और अगर जाति समीकरण की बात करें तो दो ओबीसी, एक दलित और एक ब्राह्मण को मंत्री बनाया गया है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो सहयोगियों को अब मंत्रिमंडल में जगह दे दी है। 7 महीने पहले ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, उनको भी मंत्रिमंडल में अब शामिल कर लिया गया। और साथ ही पिछले महीने आरएलडी जो कि एनडीए में शामिल हुई उसको भी मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी अपने चार सहयोगियों के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी, जिसमें एक आरएलडी है, एक अपना दल है, एक निषाद पार्टी और एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो चारों दलों के अब यूपी मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने का जो अपना लक्ष्य है वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के पूरा करना चाहती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।